करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 19। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, नए प्रश्न नए विचार, बुद्ध की कहानी। ठीक है, नए प्रश्न यानी नए क्वेश्चन और उसके ऊपर नए विचार, ये किसकी है? गौतम बुद्ध की कहानी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। वायु अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। ठीक है, भ्रमण करना होता है घूमना फिरना, यानी कि इनका जन्म आज से 2500 वर्ष पहले हुआ था, लगभग 2500 वर्ष पहले, और इन्होंने अपनी जवानी में ही ज्ञान को पाने के लिए, उसको खोजने के लिए जगह जगह जाना शुरू कर दिया था, और इन्होंने अपने घर के सुख चैन आराम को, सब चीज़ों को त्याग दिया था। उन्होंने बोध गया यानी बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिन तक तपस्या की, यानी कई दिन तक वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते रहे, तपस्या करते रहे, है ना। अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी उन्होंने जब इतनी तपस्या की तो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए, यानी उसके बाद उन्हें गौतम बुद्ध के रूप में जाना गया, है ना। यहाँ से वे सारनाथ यानी वाराणसी के निकट गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ठीक है, यानी अब वहाँ से बिहार से वो कहाँ गए? वाराणसी गए। ठीक है, कुशीनारा यानी उत्तर प्रदेश में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया, यानी कि मरने से पहले उत्तर प्रदेश में जब वो मरे, ठीक है, कुशीनारा में, तो उससे पहले का उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया, यानी बिता दिया। आगे क्या लिखा है? बुद्ध ने शिक्षा दी कि ये जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसे हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है, यानी हमारा जीवन जो है वो कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है, और कष्ट और दुख अपने आप नहीं आते, ये हमारी इच्छाओं और हमारी लालसाओं की वजह से होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी क्लास में टॉप करूं, ठीक है, तो ये आपकी इच्छा है कि आप चाहते हैं आप टॉप करें, आपने उसके लिए मेहनत भी करी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर गॉड को नहीं मंजूर और आप टॉप नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो आपको दुख होगा, आपको कष्ट पहुंचेगा कि हमने मतलब इच्छा भी की, उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी की और उसके बावजूद हम टॉप नहीं कर पाए, है ना। तो इससे क्या होगा? आपको दुख होगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं, हमारी इच्छाओं की वजह से, हमारी लालसाओं की वजह से ही हमें दुख होता है। यदि हम जीवन को बिना इच्छा के जिए, बिना किसी का, जो कि अच्छी बात नहीं है, जब तक आपके जीवन में इच्छा नहीं होगी आप कुछ करेंगे नहीं, है ना, और जब आप कुछ करेंगे नहीं तो आप आलसी काहिल वैसे ही हो जाएंगे, तो फिर ये आपका जीवन व्यर्थ है। इसलिए हमें इच्छाओं को रखना चाहिए और इच्छाओं के लिए मेहनत भी करनी चाहिए, लेकिन जब वो कभी अगर ऐसा होता है कि वो पूरी नहीं होती है तो आपको कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होता है आपके अच्छे के लिए होता है। ठीक है ना। लिखा है, उनके अनुसार आत्मा संयम पाकर, संयम अपना कर ही हम ऐसे लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि अगर हम अपने अंदर अपनी आत्मा को रोके, हम इतने ज़्यादा ख्वाहिशात ना पैदा करें तो ही हम इन सब चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा दी, यानी उन्होंने दो तरह की शिक्षा दी है कि हमें एक तो दयालु होना चाहिए, यानी सबके ऊपर रहम करना चाहिए, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, अगर कोई मुसीबत में है तो हमेशा उसकी हेल्प करना चाहिए। इसके साथ साथ मनुष्य की तो हम इज्जत करते ही हैं, इंसानों की, कोई हमसे बड़ा है उसे इज्जत करते हैं, कोई हमसे छोटा है उसे हम प्यार करते हैं, है ना। लेकिन इन सब के साथ साथ हमें जानवरों की भी इज्जत करनी चाहिए, उनको भी प्यार देना चाहिए। बेशक उनके पास जबान नहीं है, वो हमारी तरह बोल नहीं सकते, लेकिन फीलिंग्स उनके पास भी है। अगर हम उन्हें, देखिए आपने देखा होगा, आपका अगर कोई पैट है तो आप उसे डांट दे तो वो चुपचाप बैठ जाता है, क्यों? क्योंकि वो आपकी फीलिंग्स को समझता है। ठीक है, इनफैक्ट हम पैट्स की लैंग्वेज नहीं समझते हैं, बल्कि वो हमारी लैंग्वेज पूरी तरह से समझते हैं। क्या लिखा है? बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकट भाषा में दी, यानी कि उन्होंने जो अपनी शिक्षा दी वो एक सामान्य भाषा में दी, यानी उन्होंने कोई भी शिक्षा ऐसी नहीं दी जो मतलब लोगों की समझ में ना आए, जैसे संस्कृत या इंग्लिश या कोई कठिन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करा, उन्होंने आम जबान का इस्तेमाल करा जो हर इंसान को समझ में आ सके, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। देखिए वही बात आ गई कि उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल करा कि सब लोग उनके संदेश को अच्छे से समझ सके। तो चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, यानी जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी कि वाराणसी के निकट दिया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी थी। प्राकृत भाषा कहते हैं उस दौर की आम बोलचाल जो कि आज उर्दू के नाम से फेमस है, वही उस दौर की प्राकृत भाषा थी। ठीक है, तो उन्होंने प्राकृत भाषा में जो बात है वो क्यों कही थी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा इसलिए दी थी ताकि सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। ठीक, तो आगे पढ़ते। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन देखा है, बुद्ध के किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों, यानी कि बुद्ध का ऐसा कौन सा उपदेश है जो आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, हम बुद्ध के दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के आदर करने के उपदेश को अपनाना चाहेंगे, क्योंकि जब हम सबको आदर और प्यार देते हैं तो हमको भी प्यार और आदर मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।